विलाजेब एम टैबलेट, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हिंदी में दी जाएगी। कब डॉक्टर आपको इसे प्रेस्क्राइब करते हैं, क्या डोज होता है, कितना दिन लेना चाहिए, क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, कैसे आपको इसका बेनिफिट्स मिलता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो अंत तक बने रहे। तो विलाजेब एम टैबलेट के बारे में पहले जानते हैं। तो इसे ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। इसका जो पैक है 10 टैबलेट का 1 स्ट्रिप, जिसकी कॉस्ट 166 रुपये है, जो मार्केट में ज़्यादा भी हो सकती है। तो विलाजेब एम टैबलेट के अंदर 2 मॉलिक्यूल है, विलास्टिन 20 mg, मोंटेलुकास 10 mg है। तो अब बात करते हैं इसे किस तरह की समस्या में दिया जाता है। तो जब आपको एलर्जिक सिम्टम रहता है, जिसमें आपकी जैसे कि नाक से पानी आता है, बार बार छींक आती है, और जैसे कि आपको कंजेशन है, या जैसे कि आपके कान बज रहे हैं, और जैसे कि अगर आपको कहीं ईचिंग है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, तब इसे दिया जाता है। तो जैसे एलर्जिक सिम्टम है और साथ में जैसे आपको सांस लेने में तकलीफ रहती है, जब विंटर सीजन आता है तभी भी डॉक्टर इसे दे। तो इसका जो मॉलिक्यूल है, यह सूजन को कम करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में, और ये जो कि रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, इरिटेशन को कम करता है। तो इसे जैसे कि कभी कभी डॉक्टर आपको खुजली में भी देते हैं, जैसे दांत का खुजली हुई तो उसमें भी आपको रिकमेंड करते हैं, या जैसे कि आपको नाक कान से रिलेटेड समस्या है तभी भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, एक बार जरूर इसके बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करें। यह वीडियो का एजुकेशन नॉलेज पर्पज के लिए बनाए गए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। खुद से आप इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको नींद ज़्यादा आ सकती है, उल्टी आ सकती है, जी में चला सकता है, पेट में गैसेस बन सकते हैं। ये सारे कॉमन साइड इफेक्ट है, हर किसी में नहीं, किसी किसी को देखने को मिलते हैं। तो अगर आप वीडियो चैनल में पहली बार विजिट की, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फ्यूचर में अपडेटेड रहना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डॉक्टर ने आपको इसे दिया तो किस तरह की समस्या में दिया है, क्या डोज आपको बताए हैं। मोस्टली इसका जो डोज रहता है वह 2x डेली डोज रहता है, मॉर्निंग और इवनिंग, खाना खाने के पहले या बाद में ले सकते हैं। जहाँ तक को खाना खाने के बाद लेंगे तो आपको जैसे चक्कर नहीं आएंगे, कमजोरी नहीं फील करेंगे। तो अगर आपका डाउट कुछ भी है तो रिलेटेड कमेंट करके पूछ सकते हैं।